बिहार के कटिहार से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है सामने, जहां खुलेआम शराब बिक रहा है, खुलेआम शराब की तस्करी हो रही है। आपको बता दें, बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का गृह जिला है कटिहार, वहीं लगातार जो है शराब की तस्करी हो रही है। कटिहार जंक्शन से महज 6 किलोमीटर पहले लगभग प्रतिदिन बंगाल से आने वाली ट्रेनों में शराब लाया जाता है। वहीं बड़ी खेप की जो ढुलाई है वो होती है अधिकतर समय तो स्लो स्पीड कर चलती है ट्रेन, उसी में जो शराब माफिया हैं शराब को उतरवाते हैं, बड़ी खेप में शराब जो है उतार लिया जाता है। और कभी कभी मनिया स्टेशन से कुछ आगे पीछे बंगाल से आने वाले ट्रेनों को रोककर तस्कर अपने कैरियर के माध्यम से शराब को उतार कर ढुलाई करवा लेते हैं। शराब तस्करों के रैकेट काफ़ी मजबूत होते जा रहे हैं और खासकर अपराध जगत के साथ खाकी और खादी के संरक्षण के कारण शराब माफियाओं की दबंगई बन गई है। लगातार शराब माफिया शराब तस्कर कर रहे हैं। कटिहार से यह बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां स्थानीय लोग कई बार इस रैकेट का विरोध भी कर चुके हैं, मगर प्रशासनिक सहयोग नहीं मिलने से इस पर बहुत हद तक अंकुश नहीं लग पाया है। हम लोगों ने सरकार के शराबबंदी अभियान को लेकर अपनी पत्रकारिता की जिम्मेदारी को निर्वाह करते हुए बंगाल से सटे बॉर्डर वाले जिलों में ट्रेन से किस तरह शराब तस्करी की जाती है उसको लेकर हमने इन तस्वीरों को कैद किया है और सच्चाई सामने लाने की कोशिश भी की है। वहीं आपको बता दें, जहां शराब तस्करों के कारनामा देखकर जिला में बैठे उत्पाद विभाग के अधिकारी भी दांतों तले उंगली दबाते हुए इस पर बड़ी कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। उत्पाद अधीक्षक ने कहा कि इसको लेकर रेलवे प्रशासन से भी बातचीत कर विशेष रणनीति बनाई जा रही है। उम्मीद यह किया जाना चाहिए कि जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए और बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी को कायम करना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं शराब तस्कर का कैरियर को लेकर केशव झा उत्पाद अधीक्षक कटिहार से, ये सुने आप लोग। विजुअल है क्या मनिया में चला जा रहा है? देखिए, मद्य निषेध विभाग के द्वारा प्रतिदिन जिला में जितनी भी सूचना संग्रहण के साथ जितनी भी कार्रवाई है, सारी अपेक्षित कार्रवाई हम कर रहे हैं। जो आपके द्वारा सूचना दी गई है उस पर भी हम काम कर रहे हैं और ट्रेन में पूर्व में भी छापेमारी जीआरपी के सहयोग से, आरपीएफ के सहयोग से उत्पाद विभाग करती आ रही है। पुनः जो आपने दिखाया है उसकी जांच कर उस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे ताकि किसी भी तरीके से अवैध शराब कटिहार जिला में ना आए। बंगाल से खासकर ट्रेन से ये इलाका सटा हुआ है, कितना चुनौती है ये शराब तस्करी? हाँ, लगातार ट्रेन है, नज़दीक का जो हमारा सीमावर्ती राज्य है तो जीआरपी के साथ लगातार हम सहयोग करके काम पहले भी करते आ रहे हैं और आरपीएफ के साथ भी। आगे जिस तरीके की आपने सूचना दी है उस पर हम सारी कार्रवाई के साथ अपनी कार्रवाई करेंगे। पदाधिकारी के साथ भी पढ़ने उनके साथ बिल्कुल उनके साथ समन्वय है ही। जो आपने विजुअल दिखाया है उस पर हम उनसे बात करके आगे की रणनीति तैयार कर लेंगे ताकि इस तरीके का कोई भी शराब का परिवहन है जो गैरकानूनी है तो वो जिला में ना हो। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो कम उम्र के बच्चे हैं वो भी शराब की तस्करी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको हम बता दें, जो तस्कर है वो लगातार खुलेआम शराब का तस्कर कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।